और अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका पहुंचा है। सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हराया। अफगानिस्तान को साउथ अफ्रीका ने 9 विकेट से हराया है। दिलचस्प मुकाबला। और हम बात ये भी करेंगे कि भारत और इंग्लैंड का जो मुकाबला होने वाला है उसमें भारत क्योंकि जीत के लिए उतरेगा, और इसके साथ ही ये भी दिलचस्प बात होगी कि भारत को इंग्लैंड से 2022 का जो कह सकते हैं कि हार का बदला लेने का भी मौका मिलने वाला है। लेकिन फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका पहुंचा है। सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हरा दिया है। साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंच गया है, लेकिन अफगानिस्तान सेमीफाइनल में हार कर भी वर्ल्ड क्रिकेट का एक सरताज बनकर उभरा है। जिस तरीके से अफगानिस्तान ने अपना खेल दिखाया है, हालांकि साउथ अफ्रीका के पास एक लंबा अनुभव था, अफगानिस्तान एक बडिंग क्रिकेट टीम थी और उसने इस बार जो प्रदर्शन किया है जिसमें उसने ऑस्ट्रेलिया तक को हरा दिया, वो एक बड़ा अफगानिस्तान की तरफ से प्रदर्शन रहा। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में भारत इंग्लैंड के बीच भी आज मुकाबला होना है, और इसी मुकाबले का हम जिक्र कर रहे थे। T20 वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के बीच जो मुकाबला होगा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमें कड़ी टक्कर एक दूसरे को देने वाली हैं। लेकिन भारत का पलड़ा भारी है इस बार, और ये इसलिए भी कांटे की टक्कर होगी क्योंकि करो या मरो की स्थिति होगी, यहीं से फाइनल का जो टिकट है वो मिलेगा। सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की भिड़ंत होने वाली है। तो अब साउथ अफ्रीका के साथ कौन भिड़ेगा? हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है, यहां पर अनिश्चितता ही निश्चित होती है, बाकी और कुछ निश्चित नहीं होता। लेकिन इंग्लैंड को हराने के लिए रोहित की ब्रिगेड तैयार है, जो जानकारी सामने आ रही, गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। तो रात 8 बजे से भारत इंग्लैंड में महामुकाबला होगा, इस पर ज्यादा बातचीत भी करेंगे। मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर। मनोज जी, आज जो मुकाबला होगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका, क्योंकि ये पहली टीम है जो फाइनल में पहुंच गई है। भारत और इंग्लैंड का भी मुकाबला होने वाला है। करो या मरो की स्थिति दोनों टीमों के लिए होगी, लेकिन भारत के पास मौका होगा 2022 की हार का बदला लेने का। देखिए, 2022 का जो लम्हा था, जैसे कि रोहित शर्मा ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो सब अब अतीत की बातें हो गई हैं, पुरानी बातें हो गई, उस पर हम जाना नहीं चाहते। हम सिर्फ अपना पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाना चाहते हैं। बहुत जिसे कहते हैं एक स्फूर्ति पैदा करने वाला ये उनका बयान है। और रही बात आपके जो एडिलेड में हार की, 10 विकेट से भारत जरूर हारा था, लेकिन उसके बाद से भारत का जो जीत का परसेंटेज है T20 क्रिकेट का, वो 71% है। भारत ने 71% मैच जीते हैं, जबकि इंग्लैंड ने सिर्फ तब से लेकर अब तक 50% मैच जीते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने सिर्फ T20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन, भारत का ये कोई फ्लूक नहीं है, भारत लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और दुनिया में शायद अकेली ऐसी टीम है, शायद नहीं बल्कि निश्चित तौर पर हम कहेंगे अकेली ऐसी टीम है जिसने T20 वर्ल्ड कप, T20 क्रिकेट में, इस फॉर्मेट में, सबसे छोटे फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, हालांकि इस वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी हमारी उतनी लय में शुरुआती मैचों में दिखाई नहीं दे रही थी, हम कुछ एक खिलाड़ियों के भरोसे चल रहे थे, लेकिन अब हमारी बल्लेबाजी भी एक सर्वांगीण खेल दिखा रही है, हरफन मौला खेल दिखा रही है, तो ये एक अच्छा संकेत है इस मैच के लिए। अच्छा संकेत है मैच के लिए, लेकिन सेमीफाइनल मुकाबला है। मनोज जी, आपका जो अनुभव है, हम उस अनुभव की निचोड़ यहाँ चाहते हैं। क्या ये माने कि कुछ बदलाव हो सकते हैं सेमीफाइनल में जाने के पहले से इसमें, इस मैच में? देखिए, भारतीय टीम तो अनचेंज जाएगी जो मुझे लगता है, क्योंकि वैसे भी राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की शुरू से सोच ये रही है कि जब भी भारतीय टीम जीतती है तो आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि अब जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं उसमें एक विराट कोहली को छोड़कर सभी लय में दिखाई दे रहे हैं, तो विराट कोहली को लेकर रिस्क लेना तो खैर बहुत बड़ा जोखिम भरा फैसला होगा। तो मैं समझता हूं कि भारतीय टीम में तो कोई बदलाव होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन इंग्लैंड टीम जरूर बदलाव कर सकती है कि रीस टोपले को खिलाए या जॉर्डन को खिलाए या मार्क वुड को खिलाए, तो वहां थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है जी। मैच का तो बेसब्री से इंतजार फैंस कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश खलल डाल सकती है। वेदर रिपोर्ट पर भी बात करेंगे। उससे पहले बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के बीच ये मुकाबला होगा। सेमीफाइनल में भारत इंग्लैंड की भिड़ंत होगी। इंग्लैंड को हराने के लिए रोहित ब्रिगेड भी पूरी तैयारी कर चुकी है। गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। रात 8 बजे से भारत और इंग्लैंड के बीच ये महामुकाबला होगा। दिलचस्प रहेगा ये देखना कि भारत या इंग्लैंड किसे आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है, लेकिन पूरा जो
प्लान है वो तैयार कर चुकी है। रोहित ब्रिगेज पूरी तैयारी के साथ इस मैच में उतरेगी। भारतीय फैंस को निराश नहीं किया जाएगा। रोहित शर्मा पूरी दमखम के साथ अपनी टीम के लिए तैयार हैं और पूरी तरह से कमर कस ली है इंग्लैंड से बदला लेने के लिए। रात 8 बजे से भारत और इंग्लैंड के बीच ये महामुकाबला आप देख पाएंगे। तो T20 में भारत और इंग्लैंड के बीच जो मुकाबले हुए हैं वो आपको बता देते हैं। टोटल मैच 23 हुए हैं जिसमें भारत ने 12 मैच जीते हैं। इंग्लैंड हालांकि 11 मैच ही जीता है और इस लिहाज से भारत का पलड़ा यहां भारी दिखाई देता है राजीव, क्योंकि 23 मैच में से 12 मैच जीतना और इंग्लैंड के लिए 11 मैच यानी एक मैच से भारत जरूरी इसमें आगे दिखता है। और आगे की जानकारी भी जोड़ लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत वर्सेज इंग्लैंड की भी जानकारी पहले बता दें और फिर उसके बाद मनोज जी का रुख करेंगे। टोटल मैच 4, भारत 2, इंग्लैंड 2, यानी दोनों ही चीज जो आपने भी ग्राफिक सामने रखे जानकारी नेक टू नेक सारी की सारी चीजें यहां पर दिखाई पड़ रही हैं और नेक टू नेक में परिणाम के बारे में गेस करना आकलन लगाना मुश्किल होता है। तो सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की जो भिड़ंत होने वाली है T20 वर्ल्ड कप में भारत इंग्लैंड के बीच ये मुकाबला होगा। सेमीफाइनल में ये दिलचस्प टक्कर होगी क्योंकि दोनों ही टीमें फैंस को प्रभावित करती हैं अपनी अपने प्रदर्शन के जरिए और अच्छे खिलाड़ी दोनों ही टीमों में हैं और अभी भी फॉर्म में दोनों टीमें दिखाई दे रही हैं। हालांकि भारत में जो ये मुकाबला 12 मैच जीते हैं और इंग्लैंड ने 11 मैच 23 मैचों में से जीते हैं उसको लेकर क्या कहा जा सकता है कि भारत इंग्लैंड से आगे है, लेकिन सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को हराया था। 2022 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को हराया था। सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड से भारत 10 विकेट से टीम हार गई थी। इंग्लैंड से बदले के लिए रोहित ब्रिगेज तैयार है, लगातार हम बात कर रहे हैं। मनोज जोशी मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर। मनोज जी, इंग्लैंड की टीम बड़े बड़े नामों को कोच, सहायक कोच के तौर पर, बॉलिंग और फील्डिंग कोच के तौर पर लाई है। तकरीबन उनकी संख्या 6 से 7 के बीच में है। क्या इस बार भारत को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे होंगे? क्योंकि अगर आमने सामने के मुकाबले देखे जाए वर्ल्ड कप या कुल T20, नेक टू नेक बात है, दोनों ही टीमें न कम न ज्यादा। देखिए वो बात ठीक है आपकी कि आपने जैसे कि आंकड़ों का जिक्र किया, आपने कहा कि एक मैच हमने ज्यादा जीता है उनसे और T20 वर्ल्ड कप में बराबरी का मामला रहा है, लेकिन आप मौजूदा फॉर्म देखें, आप मौजूदा परफॉर्मेंस देखें तो उसमें भारत ने 6 मुकाबले इस T20 वर्ल्ड कप में जीते हैं जबकि इंग्लैंड ने 4 मुकाबले जीते हैं। भारत का जीत का जो परसेंटेज है वो 100% है। इस बार भारत कोई मैच हारा नहीं है यहाँ पर, और उनका देखेंगे अगर आप तो वो उनका 57% जीत का परसेंटेज है। इस T20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, बस उनकी बल्लेबाजी वो स्ट्रांग है निश्चित तौर पर, वो बराबरी का मुकाबला है। गेंदबाजी में भारत की गेंदबाजी के आसपास भी कहीं टिकती हुई दिखाई नहीं दे रही इंग्लैंड की टीम, सिवाय जोफ्रा आर्चर के, उनको संभल कर खेलिए क्योंकि उनका जो इकोनॉमी बहुत अच्छी है, उनकी बॉलिंग में धार है, जिस तरह की उनकी कटकर दोनों तरफ मूवमेंट है, उनकी गेंदों में कटकर जो अंदर की तरफ गेंदें आती हैं वो बड़ी खतरनाक होती हैं शुरुआती ओवरों में। और रोहित शर्मा जो इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में 4 बार बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों के शिकार बने हैं, वो उस पर उनको जरा नजर रखनी होगी क्योंकि यहाँ भी बाएं हाथ के दो तेज गेंदबाज इंग्लैंड में मौजूद हैं, चाहे वो रीस टॉपले हो चाहे वो सैम करन हो। लेकिन वही बात घूम फिर कर आती कि इनका स्तर जो है वो ना तो शाहिन शाह अफरीदी जैसा है ना मिचेल स्टार्क जैसा है, तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर वो दिक्कत नहीं आने वाली रोहित शर्मा को, तो दिक्कतें ज्यादा इंग्लैंड टीम। बिल्कुल मनोज जी ठीक है, आपने विराट कोहली का बल्ला भी नहीं चल पा रहा है और आपने लेफ्ट हैंड के जो गेंदबाज हैं उनका भी जिक्र किया, लेकिन वेदर रिपोर्ट की हम बात कर लेते हैं मनोज जी, क्योंकि बारिश भी कहीं ना कहीं जरूर खलल डालने की कोशिश करेगी। 70% कहा जा रहा है कि बारिश के आसार हैं, ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? देखिए 24 घंटे वहां बारिश हुई है और 60% टॉस के समय भी बारिश की एक्टिव वेदर की रिपोर्ट के हिसाब से भविष्यवाणी की जा रही है, और टॉस के बाद 1 घंटे के खेल के बाद भी ये परसेंटेज और ज्यादा बढ़ जाता है, 66% बारिश की संभावना है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसमें रिजर्व डे नहीं है और 250 मिनट का अतिरिक्त समय जरूर दिया गया है। मैच लंबा भी चल सकता है, लेकिन मैच लंबा चलता है तो रोहित शर्मा ने एक चिंता जाहिर की है। देखिए कितना पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है रोहित शर्मा का, उन्होंने कहा कि हमें बारबाडोज में जो अगला फाइनल मुकाबला खेलना है उसके लिए हमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमें चार्टर्ड फ्लाइट नहीं मिल पाएगी, हमें दूसरी फ्लाइट से जाना पड़ेगा। तो यानी वो मानकर चल रहे हैं, मानसिक दबाव भी बनाने की कोशिशें शुरू हो गई है क्या जी?
ये मानसिक दबाव बनाने की भी कोशिशें शुरू कर दी हैं क्या? हम फाइनल खेलने जा रहे हैं, उसमें हमें वक्त कब मिलेगा? इंग्लैंड के ऊपर एक मानसिक प्रेशर कि हम तो जा ही रहे, तुम अपना ख्याल करो। देखिए, ऐसा जो है ना, एक जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो साइकेटिक जो साथ में टीम के साथ जुड़ते हैं, आप 2011 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, पैडी अपटन ने पहले से ही, एक महीने पहले से ही इस बात की परंपरा शुरू कर दी थी कि हमें जो भी बात करनी है एक इतनी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से करनी है, और हम यही बात करेंगे कि हम फाइनल खेलने जा रहे हैं, फाइनल वाले दिन ऐसा करना है, सेमीफाइनल वाले दिन ऐसा करना है। ये चीजें बहुत काम आई थी 2011 के T20 2011 के ODI वर्ल्ड कप में। तो अब भी माइंडसेट भारत का वैसा ही है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है। तो अब यहाँ से मुझे लगता है कि बस एक बारिश जो है वो खलल अगर डालती है तो भारत वो चैंपियन वाले अंदाज में अगर फाइनल में पहुंचना चाहता है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये तो पक्का है कि अगर बारिश हुई तो खेल नहीं हुआ तो 10-10 ओवर का खेल देखा जाएगा। यहाँ 5-5 ओवर के खेल का नियम नहीं है, जो प्लेइंग कंडीशन बनाई गई है 10-10 ओवर की बनाई गई है, और 10-10 ओवर भी अगर पूरा मुकम्मल नहीं हो पाता खेल तो उस स्थिति में जो है यहाँ भारत थ्रू हो जाएगा, फाइनल में पहुंच जाएगा भारत। और इसी बात को लेकर इस वक्त इंग्लैंड और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का मीडिया जो है बुरी तरह से ICC को जो है आड़े हाथों ले रहा। जी मनोज जी, क्या प्लेइंग 11 में भी कोई बदलाव हो सकता है, और अगर मैच टाई होता है तो उस स्थिति में क्या होगा? देखिए, टाई होता है तो सुपर ओवर होगा, लेकिन यहाँ तो अभी हालात बारिश के ऐसे बन रहे हैं कि यहाँ खेल होता हुआ दिख नहीं रहा, और बारिश आ गई तो भारत की बल्ले बल्ले, और ये समझिए कि इंग्लैंड बिल्कुल थल्ले थल्ले। बस यही है कि भारत यहाँ यही चाहेगा कि मैच जरूर हो और पिछली हार का हिसाब भी चुकता करे, चैंपियन वाला अंदाज भारत का दिखाई दे, और कोई ये ना कहे कि बारिश ने भारत को फाइनल में पहुंचा दिया। लेकिन ठीक है, आंकड़े आंकड़े हैं, नियम नियम है, नियम का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो आपने प्लेइंग 11 की बात कही, प्लेइंग 11 में भारतीय टीम में तो कोई बदलाव होता नजर आ नहीं रहा, और उनकी टीम में एक बदलाव जो है तेज गेंदबाजी को लेकर है कि वो जॉर्डन को खिलाएं, रीस टॉपले को खिलाएं, मार्क वुड को खिलाएं, उनको लेकर बहुत ज्यादा असमंजस है। क्योंकि क्या स्पिनर्स के तौर पर, रोहित शर्मा से ये भी सवाल पूछा गया था कि पांच हमारे पास एक्स्ट्रा स्पिनर भी है, क्या चहल भी यहाँ खेलते हुए दिखेंगे? क्योंकि यहाँ की जो पिच है वो स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद करती है। तो उन्होंने कहा, वैसे तो हमारे पास 5 तेज गेंदबाज भी है, तो क्या हम 5 तेज गेंदबाजों को उतार देंगे? ऐसा उन्होंने बड़ा गोलमोल सा इसका जवाब दिया है। लेकिन अतिरिक्त स्पिनर को खिलाने की बात पर उन्होंने कोई बहुत ज्यादा थोड़ा सस्पेंस यहाँ पर मेंटेन किया गया है इस मैच को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी तमाम बातचीत के लिए। तो दिलचस्प मुकाबला होगा, उम्मीद करेंगे कि बारिश ना हो।